शेर और चूहे की कहानी। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहता था, जिसे सभी जानवर अपना राजा मानते थे। एक बार शाम के समय वह शेर जंगल में एक पेड़ के नीचे अपना भोजन समाप्त करकर बड़े आराम से सो रहा था। उसी जंगल में एक नटखट चूहा भी अपने साथियों के साथ हंसी खुशी से रहता था। अपने पास में कुछ दूरी पर सोते हुए शेर राजा को देखकर ना जाने कहां से उसके मन में एक शरारत सूझी तथा वह सोते हुए शेर के ऊपर खेलने लगा। कभी वह चूहा शेर की पूंछ पर चढ़ता तो कभी उसके सिर के ऊपर कूदता। कभी कभी वह उसके सिर से उसकी कमर पर फिसलता हुआ बड़े मजे कर रहा था। अभी उसकी शरारतों को कुछ ही समय हुआ था कि इतने में अचानक से शेर की नींद खुल जाती है और वह दहाड़ता हुआ उठता है। जैसे ही चूहे को दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है, वह बेहद फुर्ती से दुम दबा के भागने लगता है। लेकिन आज चूहे की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी, जिस कारण शेर उसे पकड़ लेता है और कहता है, बदमाश चूहे, तुम बहुत देर से मेरे ऊपर उछल उछल कर मुझे परेशान कर रहे हो। क्या तुम आज और अभी मेरा भोजन बनना चाहते हो? शेर के मुंह से ये सुनते ही चूहा डर से कांपने लगता है और शेर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। वह लगभग रोते हुए शेर से कहता है, हे जंगल के राजा, मुझे खाकर आपका क्या होगा? मैं तो आपके इस राज्य का एक बेहद छोटा सा प्राणी हूँ। कृपा मुझ पर दया करें। मैं आपका यह उपकार हमेशा याद रखूंगा और जरूरत पड़ने पर निश्चिंत ही आपके काम आऊंगा। छोटे से चूहे का संकट की घड़ी में इस तरह का बड़बोलापन देखकर जंगल का राजा शेर कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अपना भोजन समाप्त किया है और मुझे इतनी ज्यादा भूख भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। चूहा कहता है, राजा जी, मैं आपकी इस कृपा को हमेशा ध्यान रखूंगा और कभी भी जरूरत पड़ने पर आपके काम जरूर आऊंगा। चूहा यह सोचकर कि क्या पता कब शेर का मन बदल जाए और वो उसे खा जाए, जल्दी से अपने साथियों के पास बिल में भाग जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीतने के बाद एक दिन जंगल में दो शिकारी आते हैं। जंगल में कुछ देर घूमने पर ही उन्हें पता चलता है कि इस जंगल में शेर रहता है और यही आसपास घूमता भी है। यह देखकर वह दोनों शिकारी उस शेर को पकड़ने के लिए बड़ी चालाकी से छुपते हुए अपना जाल बिछाकर वहां से कुछ घंटों के बाद वापस आने के लिए लौट जाते हैं। अभी कुछ ही समय बीता था कि जंगल का राजा शेर अपना भोजन तलाशने के लिए गुफा से बाहर निकल आता है और घूमते घूमते उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां शिकारियों ने उसे फंसाने के लिए जाल बिछाया हुआ था। कुछ ही पलों में जैसे ही शेर के पैर उस जाल पर पड़ते हैं और एक ही झटके में शेर अपने आप को उस जाल में जकड़ा हुआ पाता है। वह खुद को जाल में फंसा हुआ देख गुस्से से बहुत जोर जोर से दहाड़ने लगता है। उसकी आवाज सारे जंगल में गूंजने लगती है। कुछ ही देर में वे दोनों शिकारी वहां पहुंच जाते हैं और शेर को जाल में फंसा हुआ पाकर बहुत खुश होते हैं। वह शेर को जंगल से ले जाने के लिए अपने कुछ और साथियों और गाड़ी का इंतजाम करने को चले जाते हैं।
शेर के दहाड़ने की आवाजें उस छोटे से चूहे के कानों तक भी पहुंच जाती हैं। जिसे सुनकर वह समझ चुका था कि हो ना हो आज जंगल के राजा जरूर किसी बड़ी मुसीबत में हैं। उसको शेर का उसके ऊपर किया गया उपकार याद आ जाता है, जिससे वह सोचने लगता है मुझे शेर की मदद करनी चाहिए, क्योंकि शेर ने एक बार मुझे जीवन दान दिया था। चूहा सोचने लगता है शेर के उपकार का बदला उतारने का यही सही वक्त है। यह सोचकर चूहा ही पलों में शेर के पास पहुंच जाता है। वह जंगल के राजा शेर की ऐसी बुरी हालत देखकर बहुत दुखी होता है, लेकिन जल्दी ही उसे ढाढ़स बंधाता है कि वह इस मुसीबत का जल्दी ही कोई ना कोई उपाय जरूर खोज लेगा। जल्दी ही उसकी पूंछ पर चढ़कर जाल की सारी तारों को काट देता है। तारों के काटे जाने से शेर जाल से आजाद हो जाता है और चूहे की करामात को देखकर बड़ा हैरान भी होता है। अब तो शेर और चूहा दोस्त बन जाते हैं। शेर चूहे से बहुत ही खुश होकर कहता है, तुम्हें मेरी पीठ पर कूदने में, मेरी पूंछ पर फिसलने में बहुत मजा आता है ना? क्या आज तुम मेरे ऊपर नहीं खेलोगे? अपने नए दोस्त जंगल के राजा शेर के मुंह से ऐसी बात सुनकर चूहा बहुत ही खुश हो जाता है और फिर उछल उछल कर अपने मित्र शेर की पीठ पर, कभी उसकी पूंछ पर तो कभी उसके सिर पर कूद कूद कर खेलने लगता है। उस दिन शेर को समझ में आया कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। भगवान ने सबको कोई ना कोई शक्ति दी है और सबकी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।